10 मिनट 50 खबरों के बाद अब खबर अयोध्या के विवादित ढांचे की। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत आज लालकृष्ण आडवाणी समेत 11 नेताओं पर आरोप तय करेगी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढाए जाने के मामले में आडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार भी आरोपी हैं। सभी पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने आज सारे आरोपियों को उनकी मौजूदगी में आरोप तय करेगी। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी आरोपी नेता लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ रवाना होने से पहले उमा भारती ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद थी और ये भागीदारी खुली हुई थी और इसमें तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों अधिकारी और हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की, कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। अब इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं ना। अभी तो माननीय कोर्ट को मैं मानती हूँ, तो मैं तो कोर्ट का सम्मान रखने के लिए आ गई हूँ क्योंकि मैं कोर्ट की इज्जत करती हूँ। जिस तरह से आज ये पूरा मामला है, आरोप है, तो क्या लगता है कि इस केस को लेकर जिस तरह से पूरा कोर्ट की सुनवाई, उम्मीद क्या लगा रखी आप लोगों ने? हम भगवान के मामले में हम भगवान से ही उम्मीद रखते हैं और चूंकि मैंने पूरी आस्था से भागीदारी की है तो मैं अपने आप को अपराधी भी नहीं मानती हूँ। लेकिन जिस तरह से पूरा ये मामला विपक्ष कह रहा है कि इसमें पूरी तरह से साजिश थी, विपक्षी पार्टियाँ जिस तरह से मामले को, तो हम भी जानना चाहते हैं क्या थी। हो सकता है उन्हीं ने साजिश की हो जो कह रहे हैं, तो जरा खुलने तो दीजिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विनय कटियार भी आरोपी हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने। लखनऊ के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में आज तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं की पेशी है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत विनय कटियार भी आज कोर्ट में हाजिर होंगे। हमारे साथ विनय कटियार साहब हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सर, जिस तरह से बाबरी विध्वंस मामले में कई सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आपके साथ साथ आडवाणी साहब तमाम लोगों के खिलाफ साजिश का मामला चले, तो आज आप भी कोर्ट जाएंगे, क्या उम्मीद है कि क्या होने वाला है? अब कम से कम आप लोग बाबरी विध्वंस तो शब्द खत्म करिए। जहाँ भगवान रामलला विराजमान है, अगर आपने गई होंगी, दर्शन किया होगा जी। तो वहाँ पर जहाँ विराजमान है, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोल दिया है यही राम की जन्मभूमि है जी। तो बाबरी कहाँ से आ गई? वो हम पहले से भी कहते हैं ना, हमारी राम जन्मभूमि है, बाद में है। अब जिस ढांचा चला गया उसके लिए हम लोग क्या जिम्मेदार हैं? लाखों लोग आए कि हटना चाहिए, हटा दिया लोगों ने, अब उसके लिए हम लोग क्या जिम्मेदार हैं? हम लोग तो जिम्मेदार हैं नहीं, लाखों लोगों की भीड़ ने किया है। तो राम की जन्मभूमि है, आज हम लोग सब पेशी पर जा रहे हैं, अब उसमें देखेंगे मजिस्ट्रेट का क्या रुख होता है, किस प्रकार की संचालित होती है अदालत। हम लोग तो अब उसमें एक प्रकार से मुलजिम हो गए हैं, तो उस भूमिका में रहेंगे। नहीं, पर कटियार साहब, वो तो हम समझ रहे हैं, पर आप पर आरोप है कि आपने भड़काऊ भाषण दिए, कार सेवकों को उकसाया। आप लोग अगर इस तरह की स्पीचेस नहीं देते तो शायद इतना मामला बिगड़ता नहीं। लोगों को रोकने की जगह आपने भी भड़काने का काम किया, पूरी साजिश रची। ये साजिश के तहत ही तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ा ही एक तरह से अगर कहें तो सोशल फैब्रिक देश का बदल गया और पूरा खंडित हुआ, इसीलिए आप लोग के ऊपर आरोप ये है और इस पे मुकदमा चलना चाहिए। नहीं, किसी का भाषण नहीं हुआ, भाषण वहाँ होने का मौका ही नहीं मिला और मंच इतनी दूर था कि वहाँ से जहाँ ढांचा था तो उससे काफ़ी दूर था, आवाज़ ही नहीं पहुँच रही थी। तो ऐसे आप लोग भाषण नहीं, नहीं मंच थे? मंच तो बहुत दूर था, वहाँ से बहुत दूर मंच था, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से कोई भाषण किसी का हुआ ही नहीं। अच्छा, सब आपने रोकने की कोशिश की, ढांचा गिरा? अरे वो सब ढांचे पर लोग चढ़ गए, वहाँ रोकने कौन, हम लोग तो उधर मंच पर थे, वहाँ पता भी नहीं चला। आडवाणी जी ने उमा जी को भेजा कि जरा जा करके रोको, कुछ करो, लेकिन वहाँ कौन किसकी सुनने वाला है, सब चढ़ गए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सही हुआ जो हुआ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपका हाथ नहीं है। नहीं, हमारा हाथ कहाँ है? मतलब आपने उकसाया नहीं, आपने कोई भाषण नहीं दिया, आपका कोई योगदान नहीं है? मेरा कोई भाषण हुआ ही नहीं।
आपका योगदान है कि नहीं है? कोई योगदान नहीं। 1992 में कोई योगदान नहीं, उसमें कोई योगदान है विनय कटियार साहब का? कोई योगदान नहीं, गलत है जो कुछ आरोप लगाए गए, गलत है वो, उसमें कोई योगदान नहीं। साफ कार सेवकों का योगदान है, जनता का योगदान है, राम भक्तों का योगदान है, इसलिए वहाँ किसी व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं।